खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर अप्रैल माह से कुंभ मेले की शुरुआत होने के बाद प्रदेश से आने जाने वाले लोगों की कोविड जांच की जा रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के नारसन बॉर्डर पर एक बार फिर से कोविड की जांच शुरू कर दी गई है। नारसन बॉर्डर पर सभी श्रद्धालुओं की कोविड जांच जारी। उत्तराखंड के हरिद्वार में अप्रैल माह से कुंभ मेले की शुरुआत होने के बाद दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों की कोविड जांच का कार्य नारसन बॉर्डर पर फिर से शुरू कर दिया गया है। आज नारसन चौक पोस्ट पर सभी लोगों की कोविड जांच की गई। पिछले करीब दो सप्ताह से नारसन बॉर्डर पर कोविड की रेगुलर जाँच नहीं हो रही थी, केवल गंगा स्नान के दौरान ही कोविड जाँच का कार्य किया जा रहा था। अब शासन से आदेश आने के बाद अब फिर से बॉर्डर पर प्रतिदिन जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वालों वाहनों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। नारसन बॉर्डर पर स्थानीय पुलिस और फोर्स का इंतजाम भी किया गया। इस बार सरकारी केंद्रों के साथ साथ प्राइवेट केंद्र की जाँच की जा रही है। जाँच सेंटर कम होने की वजह से लोगों को यह काफी समय व्यतीत करना पड़ रहा है। नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक विवेक तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड में प्रवेश के दौरान आज बॉर्डर पर सुबह से ही कोविड जांच जारी है। ये नारसन बॉर्डर पे परसों शाम से जो है सैंपलिंग का काम चल रहा है, तो हमारी सरकारी टीम भी बैठी है और प्रिफर्ड लैब वाले जो हमारे प्राइवेट लैब्स हैं उन लोगों के द्वारा भी सैंपलिंग का काम किया जा रहा है। तो लगातार सैंपलिंग चल रही है और अगर कोई केस पॉजिटिव आता है इसमें तो उसको यहीं से वापस भेज रहे हैं उसके मूल स्थान पे। तो व्यवस्था ये है कि अब बाकी सैंपलिंग एकदम लगातार चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंटीजन टेस्टिंग हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे पहले उनसे रिपोर्ट मांगे, अगर उनकी 72 घंटे के अंदर की रिपोर्ट है तब तो हम उसके आधार पर तय करते हैं कि उनको आगे जाना है नहीं जाना है, और नहीं है तो यहाँ टेस्ट करा के फिर हम डिसाइड करते हैं कैसे उनको आगे करना है। देखिए अभी तक तो कोई पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन जो हमारा प्रोटोकॉल है वो यही कि अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको हम यहीं से वापस कर देंगे, उसको राज्य में प्रवेश नहीं देंगे यहाँ से।